इसराइल जंग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसराइल को चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा कि अगर इसराइल गाजा पर कब्जा करने की कोशिश करता है तो ये बेन्यामिन नेतन्याहू की सबसे बड़ी गलती होगी। ये बयान उस वक्त आया जब इसराइल की सेना ने गाजा की घेरेबंदी तेज कर दी है। हालांकि बाइडेन ने पहले इसराइल का समर्थन किया था, लेकिन बाइडेन की तरफ से अब ये बयान भी सामने आया है कि अगर इसराइल गाजा की घेरबंदी की कोशिश करता है, उस पर कब्जा करने की कोशिश करता है, तो ये बेन्यामिन नेतन्याहू की दरअसल सबसे बड़ी गलती साबित होगी। इसराइल और हमास के बीच छिड़े युद्ध में नौवें दिन गाजा पट्टी में अब तक कुल 2,670 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 9,600 लोग घायल हो चुके हैं। वहीं वेस्ट बैंक में इसराइल की जवाबी कार्रवाई में 56 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 700 लोग घायल हुए हैं। दूसरी तरफ लेबनान में भी इसराइल का जवाबी हमला जारी है, जिसमें 12 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बात करें इसराइल की, तो हमास के हमले में अब तक इसराइल के 1,400 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 3,418 लोग जख्मी हुए हैं। हमास से जारी जंग के बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने आपातकालीन कैबिनेट की पहली बैठक की। आपातकालीन कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता नेतन्याहू ने की। इस दौरान कैबिनेट ने दक्षिणी इसराइल पर हमास लड़ाकों के हमले में मारे गए लोगों के लिए एक मिनट का मौन रखा। इसके बाद पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि हम एकजुट होकर 24 घंटे काम कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने हमास के खिलाफ जवाबी कार्रवाई जारी रखने की बात दोहराई और हमास को पूरी तरह से तबाह करने का वादा किया। दूसरी ओर एक और विपक्षी दल आपातकालीन कैबिनेट में शामिल हो सकता है। बताया गया कि नए आपातकालीन कैबिनेट में 5 मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। इस दौरान जब तक युद्ध जारी रहेगा तब तक सरकार कोई भी ऐसा कानून या निर्णय पारित नहीं करेगी जो युद्ध से जुड़ा ना हो। इसराइल की सेना के गाजा में ताबड़तोड़ हमले जारी है। 10 दिन से जारी हवाई हमले के बाद गाजा के कई हिस्सों में तबाही ही तबाही देखी जा रही है। गाजा सिटी से भी हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां आइसक्रीम के ट्रक मुर्दा घर में बदले दिखे। आइसक्रीम के ट्रकों में कई शव रखे थे। इसके साथ ही कई शवों को कपड़ों में लपेट कर रखा गया। बताया गया कि गाजा के अस्पताल पूरी तरह से भर चुके हैं। क्षमता से कई गुना ज्यादा लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है, जिसकी वजह से अब घायलों को अस्पताल में नहीं लिया जा रहा और घायलों और शवों को अलग अलग जगहों पर रखा जा रहा है। उधर हमास से जारी जंग के बीच लेबनान के कट्टरपंथी संगठन हिज़्बुल्लाह ने इसराइल पर हमला बोल दिया। इस बात की जानकारी इसराइल के रक्षा मंत्रालय ने दी और आरोप लगाया कि हिज़्बुल्लाह ने उसके इलाके में कई रॉकेट दागे, जिसके बाद इसराइल ने लेबनान की सीमा के नजदीक कई टैंकों की तैनाती कर दी। इसराइल ने एक कदम उस वक्त उठाया जब हिज़्बुल्लाह ने इसराइल पर रॉकेटों से हमला कर दिया। हमास के जंग के बीच इसराइल के खिलाफ लेबनान का चरमपंथी संगठन हिज़्बुल्लाह भी इसराइल के खिलाफ जंग में कूद पड़ा। यही नहीं, उसने यहाँ तक कह दिया कि वो फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास का साथ देने के लिए हर तरह से तैयार है। इसी वजह से गाजा पट्टी की घेरेबंदी के साथ इसराइल ने अपनी सुरक्षा का भी कड़ा इंतजाम कर लिया और इसराइल और लेबनान की सीमा के नजदीक हजारों सैनिकों के साथ कई घातक टैंकों की भी तैनाती कर दी। गाजा की सीमा के अंदर घुसने से पहले इसराइल ने अपना स्तरोद शहर को खाली करा लिया है। अब वहां गिनती के ही लोग बचे हैं। स्तरोद शहर गाजा की सीमा से महज 840 मीटर की दूरी पर बसा है, इसलिए शहर पर हमास के हमले का खतरा सबसे ज्यादा है। सरकार की अपील पर लोगों ने घर खाली कर दिए हैं। इस शहर में जाकर हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी नीरज ने। इसराइल और हमास के बीच युद्ध का 10वां दिन है और सबसे अहम बात यह है कि जो दक्षिणी शहर है उन पर लगातार हमला जारी है। जो दक्षिणी शहर हैं इसराइल के, उन पर हमास की तरफ से रॉकेट लगातार छोड़े जा रहे हैं। जेरोत में इस वक्त हम लोग हैं, पहले भी यहाँ आ चुके हैं, लेकिन दोबारा आने का मकसद ये है कि ज़्यादातर लोग शहर छोड़कर जा चुके हैं सेंट्रल इसराइल में, यानी उस हिस्से में जा चुके जो थोड़ा सुरक्षित है। इसराइल के दक्षिणी शहरों में बहुत भय है, आतंक है। जेरोत में दूसरी बार इस वक्त हमें आए हैं और इसलिए आए हैं कि हमें पता चला कि यहाँ के लोगों को शहर से दूसरे शहरों में जाने को कहा गया है, क्योंकि गाजा में एक बड़ा स्ट्राइक करने वाला है इसराइल। जेरोत से महज कुछ किलोमीटर भी नहीं, कुछ सीमा है जो 840 मीटर की दूरी पर है गाजा से। जेरोत पर भी हमास के आतंकियों ने हमला किया था। सिर्फ हमें इतना मिली, एक ऐसी महिला जो सड़क पर मिल गई और उन्होंने कहा कि वो शहर छोड़ के नहीं जाएंगी। 90-95% लोग जेरोत शहर को छोड़ के भाग गए हैं। दक्षिण का सबसे करीबी शहर जेरोत गाजा से, और जेरोत में हमने बताया कि दूसरी बार हम पहुंचे, दूसरी बार इसलिए पहुंचे हैं कि अब ये घोस्ट सिटी ही नहीं है, घरों के अंदर भी कोई नहीं है। पहले लोग अपने घरों के अंदर थे, लेकिन यहाँ अब आपको सिर्फ आर्मी के लोग इधर देखिए, इस तरफ हमारी तरफ देखिए, इधर आपको आर्मी के लोग दिखेंगे।
घरों के अंदर कोई नहीं, ये तो मार्केट एरिया है जहाँ से हम गुजर रहे हैं। 90% से ज्यादा लोग, शायद 95% लोग भी इस शहर से जा चुके हैं दक्षिणी भाग में, दक्षिणी यानी इसराइल के दक्षिणी भाग में। कुछ लोग जेरूसलम गए हैं, एलियात गए हैं, तेल अवीव गए हैं। और ये आप पुलिस स्टेशन है, जब 7 अक्टूबर को हमला किया था हमास के लड़ाकों ने, आतंकियों ने, तब यहीं हमला किया था। इस स्टोरी को हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन इन घरों में कोई नहीं है। इसराइल के इस्तरोट शहर से अभी भी कुछ लोग नहीं गए हैं और ये लोग जाएंगे भी नहीं। इनका कहना है कि वो अपना शहर, अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। इस शहर की एक महिला ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि वो इसी शहर में पैदा हुई हैं, इसलिए वो अपना शहर छोड़कर नहीं जाएंगे। What's your name, ma'am? My name is Edna. Edna. Most of the people left this city. Yes, of course. Why are you here? You are not scared? I prefer to be here. I'm not scared. I was a hero. So, other than you, any people in this city, in any house? Yes, I think, yeah. So, most of the people left this city? Yes, most of the people live here. Why are you not living this city? Because I'm a hero. You are a hero? Yeah. I don't want to live here. For what? But Hamas. I'm born here in Israel. और उधर गाजा में इसराइल के हमले के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात की। इस दौरान उन्होंने उनसे हमास की निंदा की और साफ कह दिया कि हमास फिलिस्तीन के लोगों का भला नहीं चाहता। अमेरिका की मीडिया के मुताबिक बाइडेन ने महमूद अब्बास के साथ बातचीत में इसराइल पर हमास के क्रूर हमलों की निंदा की, साथ ही गाजा में फिलिस्तीन के लोगों की मदद का भरोसा भी दिया। बाइडेन ने इसराइल के प्रधानमंत्री से भी बातचीत कर उन्हें अमेरिका से भेजी जाने वाली मदद के बारे में बताया। अमेरिका पहले ही साफ कह चुका है कि वो अपने दोस्त इसराइल की हर तरीके से मदद करेगा ताकि हमास का खात्मा किया जा सके। इसी कड़ी में अमेरिका के जंगी जहाज इसराइल पहुँच चुके हैं जो इसराइल के दुश्मनों पर हमले के लिए बिल्कुल तैयार है। हमास और इसराइल के जंग के बीच जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला ने लंदन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात की। बताया गया कि दोनों नेताओं के बीच इसराइल की सेना के गाजा पर हमले को लेकर बातचीत हुई, जिसमें जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला ने ऋषि सुनक को गाजा में मौजूद हालात के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने गाजा पर इसराइल के हमले की निंदा की। जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला ने इस बात की आशंका जताई कि फिलिस्तीनियों के गाजा छोड़ने के इसराइल के आदेश से वहां तनाव और ज्यादा बढ़ेगा। हमास ने 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमला किया था, जिसके बाद से इसराइल की सेना गाजा में कहर ढा रही है। हालांकि हमास के हमले के बाद फिलिस्तीन के समर्थन में जॉर्डन उसके साथ खड़ा है, जबकि ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश इसराइल का साथ दे रहे हैं। मगर इसके बावजूद जॉर्डन के राजा ने ऋषि सुनक से मुलाकात की ताकि गाजा में शांति दोबारा कायम की जा सके।